हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 84 पे। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई लंबी बीमारी से परेशान है, फाइनेंशियल भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे पाप किए होंगे जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है, जिसकी सजा हमें खुदा दे रहा है। एक बाइबल की स्टोरी है अय्यूब नबी की। अय्यूब जो है वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, खुदा का भय मानने वाले इंसान है और हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करने वाले इंसान है। तभी क्या होता है कि वो उनके पास हर तरह की चीज़ें होती हैं, ना उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उनके पास बीवी बच्चे तंदुरुस्त होते हैं और उनके पास खेत खलिहान और सब कुछ होता है, यानी कि हेल्दी वेल्दी हर तरह से उनके पास प्रॉस्पेरिटी होती है। हेल्थ वेल्थ और स्पिरिचुअल तौर पे तो वो ऑलरेडी कि खुदा का भय मानने वाले होते हैं। तो तभी एक बार खुदा उसे देख रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ, इससे ज़्यादा जो है मेरा भय मानने वाला और मेरा आज्ञा मानने वाला इंसान कोई नहीं है इस धरती पे। तो तभी उनके पास शैतान आता है और शैतान कहता है कि आपने अय्यूब को सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनके उसके पास बच्चे हैं, औलाद है, औलाद भी कहना मानने वाली है, उसके पास बीवी है जो कि उसका कहना मानती है, अच्छी है, और उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उसके पास जायदाद और सब कुछ है, हेल्दी वेल्दी है वो हर तरह से, इसीलिए वो तेरा हमेशा गुणगान करता है और हमेशा तेरी तारीफ और हमदोसाना गाता रहता है और धन्यवाद देता रहता है। तो खुदा उनसे शैतान से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर उसके पास कुछ नहीं रहेगा तब भी वो मेरा धन्यवाद करता रहेगा और मेरी महिमा करता रहेगा। तो शैतान उनसे कहता है कि ठीक है, अगर आप उस पर इतना बिलीव करते हो, आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो, तो ठीक है, उसको मेरे हाथ में दे दो, मैं उसको आपको दिखा दूंगा कि वो जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो आपके नाम की बुराई करेगा। तो खुदा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे उसको तेरे हाथों में देता हूँ, लेकिन उसकी जान है, उसको तू कुछ नहीं कर सकता। तो तभी फिर शुरू होता है कि अय्यूब नबी के जो ये बात खुदा और शैतान के बीच में होती है, तो अय्यूब नबी के घर जो खेत है वो उसमें आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो सारे जितने भी नौकर हैं वो सब आके कहते हैं कि एक भी दाना जो है वो नहीं बचा है और कुछ भी नहीं बचा है और सारा खेत खलिहान सारे जल गए हैं, अब हम बिल्कुल ही कंगाल हो गए हैं। तो तब भी अय्यूब नबी कहता है उस खुदा की महिमा हो कि जिसने दिया था उसने ही ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। तो तब शैतान जो है, खुदा जो है वो शैतान से कहते हैं कि देखा कि मैंने कहा था उसके पास नहीं कुछ रहेगा, वो फिर भी मेरी महिमा करेगा, तो देख आज भी वो मेरी हमदोसना मेरी तारीफ और मेरा धन्यवाद बोल रहा है, कह रहा है। तो शैतान कहता है कि ठीक है, अभी आपने उसका सारा जो है जायदाद, उसकी वेल्थ है, वो सब कुछ ले ली है, तो अगर ऐसा है तो आप उसके जो प्रिय जन हैं उनमें से मुझे किसी को दे दो। तो क्या होता है कि एक ऐसे ही वो अपने उसके सारे बच्चे इकट्ठे होके किसी फंक्शन में बैठे होते हैं, तो तभी वहाँ पर भूचाल आ जाता है और वो सारे तहस नहस हो जाते हैं और उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। जब उसके सारे बच्चे मर जाते हैं तो वो नौकर आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मिस हैपनिंग हुई है और वो जो है तेरे बच्चे और सारा कुछ मर गए हैं, एक भी बच्चा नहीं बचा है। तो वो तब भी कहता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। तो फिर शैतान जो है वो खुदा के सामने जाता है, तो कहते हैं, तो तब खुदा कहता है देखा कि तूने उसके जो है उसकी अजीज़ उसकी औलाद भी तूने उससे ले ली, तो फिर भी तू तब भी वो मेरा धन्यवाद कर रहा है, मेरी महिमा कर रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। कहता है शैतान, कहता है कि देख तूने उसके जान को उसने उसे कुछ नहीं कहा, उसके शरीर पर कोई बीमारी नहीं आई है, तो तू ऐसे कर कि मैं अब देखना, अब वो तेरा नाम जो है वो पक्का जो है तेरी बुराई करेगा। तो तभी वो अय्यूब नबी के पास क्या होता है, उसके शरीर पर इतने ज़्यादा जख्म हो जाते हैं, उसकी स्किन प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि वो घड़े की जो ठिकरियाँ बोलते हैं उन्हें कि पीसेस होते हैं, उससे अपनी खाज करता है और उसके खून बहता है, और उसको यहाँ है कि बेड पे भी नहीं लेट सकता, गद्दे पे नहीं लेट सकता, तो
जो राख होती है उस राख को बेड बना के उस पर लेटता है तो तब उसे आराम मिलता है, लेकिन फिर भी और उससे सब नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी जो बीवी है वो आके कहती है कि देख कि तू खुदा का नाम हमेशा लेता है, उसकी महिमा करता है, उसकी हमेशा धन्यवाद देता रहता है, लेकिन देख आज तेरे शरीर का क्या हाल हो गया है। वो फिर भी कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, खुदा ने दिया है, खुदा ने लिया है, खुदा का नाम मुबारक हो, उसी का ये शरीर है, अगर इस वो इसको ख़त्म भी कर दे तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं फिर भी खुदा की महिमा करूँगा। तो अंत में इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसे खाने उससे सब दूर भागना शुरू कर देते हैं, उससे वो रगड़ रगड़ के अपने हाथ जो हैं वो छील लेता है, उसमें से खून निकलता है, इतनी बुरी तरह से उसे स्किन डिजीज़ हो जाती है कि कोई उसके पास भी नहीं आना चाहता, और उसकी वाइफ जो है वो भी उसे बोलती रहती है हर दम। तो तब शैतान जो है वो खुदा के पास आता है, तो खुदा कहता है कि देखा कि तूने उसके शरीर को भी सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरी महिमा कर रहा है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। तो शैतान कहता है तूने उसकी जो है ज़िंदगी है उसको बख्शा हुआ है, इसीलिए वो तेरा नाम नहीं है। तो शैतान को खुदा डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि वो बहुत ही धर्मी इंसान है और हमेशा मेरा धन्यवाद करने वाला है, तो इसलिए उसकी जो जान है उसको मैं तेरे हाथों में कभी नहीं दूंगा, तो ऐ शैतान तू दूर हो जा। तभी वो शैतान जो है चला जाता है, तो खुदा क्या करते हैं उसको फिर दोबारा से चंगा कर देते हैं, उसके दोबारा बीवी जो है वो उसके साथ रहती है, उसके सारा जो खेत खलिहान है वो सब मिल जाता है, उसके दोबारा से बच्चे हो जाते हैं, और वो फिर दोबारा से परमेश्वर का धन्यवाद करता है और अपनी बीवी को कहता है कि देखा तू कहती थी कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर मेरे साथ बुरा कभी नहीं कर सकता, देखो उसने उससे भी ज़्यादा मुझे जायदाद दी है, मेरे बच्चे जो हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, ये है वो है, ऐसे करके बोलते हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब भी हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमें परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर एक एक पल में हमारे साथ है। अगर उसने बाइबल में एक वचन है उसमें कहा है कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो इसलिए कि अगर हम खुदा का अपने बुरे दिनों में बुरे अच्छे दिनों में, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें ऐसी मुसीबत में कभी नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से बाहर हो, क्योंकि अय्यूब नबी जो हैं उनका उन्होंने हमेशा साथ दिया, और उनको ठीक है शैतान ने उनके साथ बुरा किया तो फिर भी परमेश्वर को पता था, और अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ बुरा नहीं बोला। तो इसलिए आज अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपकी नौकरी चली गई है, या फिर कुछ भी बुरा हो गया है, तो खुदा को कभी बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। क्या पता आप लोगों की भी अजमाइश चल रही हो, क्योंकि हमने इस धरती को बहुत गंदा किया हुआ था, बहुत बुरा किया हुआ था, या हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह का कोई रोग हो जाता है, तो वो ये नहीं है कि हाँ हम अगर खुदा में सही चल रहे हैं तो वो हमें दुख देता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं जैसे तुम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ देना चाहते हो, तो मैं भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ देता हूँ। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखो कि वो हमारे साथ है, और ये जो बुरे दिन आए हैं या बुरी चीज़ हमारे साथ हो रही है वो कुछ दिनों की है, क्योंकि अगर हमें बुरे दिनों के बारे में पता ना चलता तो हमें सिर्फ अच्छे दिनों का ही पता होता कि अच्छे दिन क्या है, तो हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना कर पाते। तो इसलिए हमेशा हर एक पल में, चाहे वो बुरे दिन हो चाहे अच्छे दिन हो, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करो। आप हमेशा अपने ऊपर वाले को ना देखो, आप अपने नीचे वाले को देखो कि उसके पास क्या नहीं है जो कि खुदा ने हमें दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं, हमारे पास हमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम अपने आप में एक स्वस्थ हैं, इससे बड़ी ज़िंदगी और कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। अब हम मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि आजकल जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन से निकलिए और खुदा की प्रस्तुति करिए, उसका धन्यवाद करिए कि हाँ आज का दिन जो तूने हमें दिया है और जो चीज़ें भी अवेलेबल हमें की हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और तेरा ही नाम हमेशा मुबारक हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।